नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीरियन न्यूज़ चैनल पर। एक ऐसा न्यूज़ चैनल जिस पर मिलती है आपको हर एक वो जानकारी, हर एक वो खबर जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक और ऐसी जानकारी लेकर जिसमें आपका फ़ायदा छुपा है। जब आप चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा हमारे चैनल पर हर एक वीडियो आपके फ़ायदे से जुड़ी होती है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ 5,000 रुपये में पोस्ट ऑफिस के साथ बिजनेस करने का मौका। जी हाँ दोस्तों, बम्पर कमाई होगी। अब आप कह रहे होंगे भाई पोस्ट ऑफिस कब से बिजनेस करने लग गया, तो ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप ये पूरी वीडियो देखेंगे, और तब आपको पता चलेगा इस वीडियो को देखने में आपने कोई गलती नहीं की। अच्छा किया बहुत जो आपने इस वीडियो को देखा, क्योंकि कैसे होगी बम्पर कमाई ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी कि सिर्फ 5,000 रुपये में पोस्ट ऑफिस के साथ आप ऐसा कौन सा बिजनेस कर सकते हैं घर बैठे ही जिसमें आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और बम्पर कमाई करेंगे आप। तो ये पता चलेगा आपको वीडियो देखने के बाद ही। लेकिन इससे पहले मैं ये कहूँगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बीरियन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आपके फ़ायदे से जुड़ी हर खबर हर रोज़ मिलती रहे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ 5,000 रुपये में पोस्ट ऑफिस के साथ बिजनेस करने का मौका, होगी बम्पर कमाई। अगर आप कम निवेश में अच्छी कमाई का मौका तलाश रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। पोस्ट ऑफिस दो तरह की फ्रेंचाइजी देता है, पहली आउटलेट फ्रेंचाइजी और दूसरी पोस्टल एजेंट्स फ्रेंचाइजी है। अगर आप कम निवेश में अच्छी कमाई का मौका तलाश रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप पोस्ट ऑफिस के साथ मिलकर हम अच्छी कमाई हर महीने कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी लेकर अपना पोस्टल बिजनेस शुरू किया जा सकता है। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको सिर्फ 5,000 रुपये खर्च करने होंगे। हर जगह पहुंचेगा पोस्ट ऑफिस। इस समय देश में लगभग 1.55 लाख पोस्ट ऑफिस हैं, लेकिन इसके बाद भी पोस्ट ऑफिस की हर जगह पहुँच नहीं बन पाई है। अपनी पहुँच को सभी जगह पहुँचाने के लिए पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइजी देता है। विभाग अपने नेटवर्क का तेज़ी से विस्तार कर रहा है जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप अच्छी कमाई वाला काम करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी के माध्यम से ये किया जा सकता है। दो तरह की होती है फ्रेंचाइजी। पहले आपको ये बता देते हैं कि पोस्ट ऑफिस की जो फ्रेंचाइजी होती है वो किस किस तरह की होती है। तो पोस्ट ऑफिस दो तरह की फ्रेंचाइजी देता है, पहली आउटलेट फ्रेंचाइजी है और दूसरी पोस्टल एजेंट्स फ्रेंचाइजी है। आप इन दोनों में से कोई भी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। देश भर में कई जगह ऐसी हैं जहां पोस्ट ऑफिस खोलने की ज़रूरत तो है लेकिन वहां पोस्ट ऑफिस खोला नहीं जा सकता, इसलिए वहां सुविधाएं पहुंचाने के लिए फ्रेंचाइजी आउटलेट खोला जाता है। इसके अलावा ऐसे एजेंट्स जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टल स्टैम्प्स और स्टेशनरी घर तक पहुँचाते हैं, इसको पोस्टल एजेंट्स फ्रेंचाइजी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंचाइजी लेने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ शर्तें हैं, ये भी आपको बता देते हैं। फ्रेंचाइजी लेने वाले व्यक्ति की जो उम्र है वो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। कोई भी भारतीय नागरिक पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी ले सकता है। फ्रेंचाइजी लेने वाले व्यक्ति के पास किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से 8वीं पास का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। फ्रेंचाइजी का आवेदन करने के लिए सबसे पहले फॉर्म भरकर सबमिट करना होता है। सिलेक्शन होने पर इंडिया पोस्ट के साथ एक MOU साइन करना होगा। देना होता है 5,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर आप पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 5,000 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है। फ्रेंचाइजी मिलने के बाद आपको आपके काम के हिसाब से एक निश्चित कमीशन दिया जाता है। ये 1,000 रुपये महीने का हो सकता है या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। पोस्टल एजेंट बनकर पहुँचा सकते हैं आप घर घर ग्राहकों को पोस्ट ऑफिस से मिलने वाली सुविधाएं जैसे स्टैम्प, स्पीड पोस्ट, आर्टिकल्स, स्टेशनरी, मनी ऑर्डर की बुकिंग के लिए आपको अपनी तरफ से सुविधाएं मुहैया करानी होती हैं। ये सुविधाएं ग्राहकों को पोस्टल एजेंट्स बनकर घर घर भी पहुंचाई जा सकती हैं। पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी के लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा। आवेदन करने के लिए आपको ये जो येल्लो कलर का दिखाई दे रहा है इस पर आपको जाकर PDF फाइल्स फ्रेंचाइजी PDF डाउनलोड करना होगा। ये लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिस पर क्लिक करते ही आपके सामने इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इस ऑफिशियल लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड करके फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि जिन भी लोगों को चुना जाएगा उनको पोस्ट डिपार्टमेंट के साथ एक MOU एग्रीमेंट टाइप का साइन करना होगा, इसके बाद ही वो ग्राहकों को सुविधाएँ दे सकेंगे। तो इसके अलावा बता दूं आपको कैसे होगी इसमें कमाई। तो पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी से कमाई कमीशन पर होती है। इसके लिए पोस्ट ऑफिस की तरफ से मिलने वाले प्रोडक्ट और सर्विस की जाती है। इस सभी सर्विस पर कमीशन भी दिया जाता है। MOU में कमीशन पहले ही तय कर दिया जाता है। रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की बुकिंग पर 3 रुपये, स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स की बुकिंग पर 5 रुपये, 100 से 200 रुपये के मनी ऑर्डर की बुकिंग पर 3.50 रुपये,
₹200 से ज़्यादा के मनी ऑर्डर पर ₹5, हर महीने रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट के 1000 से ज़्यादा बुकिंग पर 20% अतिरिक्त कमीशन, पोस्टेज स्टैंप, पोस्टल स्टेशनरी और मनी ऑर्डर फॉर्म की बिक्री पर सेल अमाउंट का 5%, रेवेन्यू स्टैंप, सेंट्रल रिक्रूटमेंट फीस स्टैंप्स आदि की बिक्री समेत रिटेल सर्विसेज पर पोस्टल डिपार्टमेंट को हुई कमाई का 40% देना होता है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी जिसमें आपका फ़ायदा छिपा है? आप चाहे तो ये बिज़नेस कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। सिर्फ ₹5000 का ही खर्चा होगा, वो भी आपको सिर्फ जमा ही करना है, वो भी एक जैसे कि कहते हैं कि एक गारंटी के लिए आपको देना है अमाउंट, बाकी इसमें कोई आपका खर्चा नहीं है। कैसी लगी आपको जानकारी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप जानते हैं जैसे कि भारत में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कोई घर बैठे उनको ऐसा काम मिल जाए जिसमें उनका फ़ायदा भी हो और उनको अच्छा पैसा भी मिले। तो ये जानकारी बहुत अच्छी है सभी लोगों के लिए, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और जानकारी मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह की आपके फ़ायदे से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आप तक हर रोज़ पहुँचाती हूँ। इसी तरह की वीडियोज़ आपको देखने को मिलती हैं बी रियल न्यूज़ चैनल पर, वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।